अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश रहिए, आबाद रहिए। आज बन रहा है आलू गोश्त। तो आलू गोश्त की रेसिपी जो है मैं आपको बता रही हूँ और देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और अभी लाल ब्राउन किए हैं मैंने दो प्याज, दो प्याज लाल ब्राउन हो जाएंगे, लाइट ब्राउन करने हैं, तेज़ नहीं करने, नहीं तो कड़वापन आ जाता है। तो ये करेंगे हम। और ये चीज़ें हैं, टमाटर है और पिसा हुआ धनिया, हल्दी, कुटी हुई मिर्चे, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है चिकन, ठीक है, चिकन के हम इसमें डाल देंगे। और ये ताकि चिकन जो है ना वो होगा थोड़ी सी अच्छे से, वो कैमरा मैन मेरा कोई नहीं है तो इसलिए ना अकेले ही वीडियो बनानी पड़ती है। अच्छी बात, अकेले अकेले जो है ना इंसान सीखना चाहिए, इंसान को सब कुछ आना चाहिए। मैं भी बना रही हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आज बन रहा है आलू गोश्त और साथ ही, मैं तो सब कुछ साथ ही डाल देती हूँ क्योंकि हम लोग पंजाबी लोग हैं ज़्यादा ना, उसको भूनते नहीं, बस सही है, ठीक है ना। मैं तो डाल देती हूँ साथ ही, तो आप लोग भी अगर चाहे तो साथ डाल दें मज़े, अगर नहीं दिल कर रहा तो आप भून सकते हैं, लेकिन मैं तो साथ ही डाल देती हूँ। फिर जब चिकन होने लगती है, मतलब के पकने लगती है, तो फिर मैं साथ ही उसको भून लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी सब जो मैंने बताया था आपको, नमक मिर्चें जो भी हैं ये सब डाल दिया इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम इसको भूनेंगे। साथ ही मैंने चिकन डाल दी थी और साथ ही मैंने सब मसाले डाल दिए, ठीक है ना, क्योंकि चिकन मैंने ना कल ना धो के और फ्रिज में रखी थी तो वो जम गई है, तो जाहिर है कि वो अब पिघलेगी तो फिर हांडी पकेगी ना सही से, फिर वो गलेगी, जाहिर है पानी में जाएगी तो वो फिर कैसे गल जाएगी। तो ये है, अब इसको हम ढक देंगे और इसका गलने तक का इंतज़ार करेंगे, ठीक है जी। तो इस पे हम रखते हैं कैप और फिर आ जाए मेरी तरफ ताकि मैं आपसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी बातें कर लूँ, ठीक है ना। और सुबह के दोपहर का टाइम है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे ना सोना पसंद नहीं है, और एक मेरी खुरचन है वो उड़ चुकी है क्योंकि आजकल स्कूल बंद है तो आराम से उठते हैं बच्चे, और बारिश का भी मौसम हो रहा था। हाय मेरी जुल्फे गर्मी इतनी हो रही है तो बाल तो खुले छोड़ नहीं सकती तो सही है ऐसे ही, ठीक है ना। तो गर्मी इतनी होती है तो बाल खुले छोड़ के और वो खाना पकाना मैंने मरना है तो इसलिए जो ना बारिश बड़ी प्यारी हुई थी, रात को बहुत बारिश हुई थी और बहुत अच्छी हुई थी। तो कल की वीडियो भी मैंने जो ना अपलोड नहीं की थी लेकिन आज की है। अच्छा बस कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं नहीं हो रही है। तो एक मेरी आदत खुरचन उड़ चुकी है नाश्ते के लिए, और मैं तो अब खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए खाना नाश्ता तैयार है। तो चाय बना दी थी मैंने, तो अब ये बन रहा है, चाय तो बनी भी है, बस को मैं गर्म करती हूँ, मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी, ठीक है जी। तो बातें भी होती रहेंगी। चाय गर्म करोगे ना, खाना खाएगी आलू गोश्त दे दो पक रहा है अभी हाँ दे दो, कहाँ से अभी पक रहा है, क्या करूँ अभी, दूँ के बाद में नाश्ता दूँ, चलो ठीक है सही है। इसका नाश्ता मैं कर लूँ, चाय गर्म कर देती हूँ इसके लिए। ये तो यहाँ टिक ही नहीं रहा है,
मोबाइल रखने की जगह नहीं है मेरे पास तो यहाँ ठीक है ना, नज़र आ रहा है ना चाय गर्म हो रही है। जिसको नाश्ता करना है आ जाओ, जिसको खाना खाना है वो लंच पे आ जाओ ठीक है, क्योंकि लंच के लिए जो अभी खाना तैयार होता है, तैयार तो अभी हुआ नहीं है, तो 1 बजे के बाद ही लंच होगा तो फिर आप लोग आ जाइएगा और खाना भी खा लीजिएगा साथ में। नान होंगे इसके, या तो घर की रोटी बनाऊंगी या तो फिर चावल, देखते हैं बच्चों ने क्या खाना है तो उस हिसाब से फिर मैं, क्योंकि बच्चे जो ना खाना मांगते हैं तो बच्चों के लिए ही ज़ाहिर है पकता है, मैं तो अपने जो भी मिल जाए मैं तो खा लेती हूँ, मुझे कोई वो नहीं होता। तो ये है, तो अभी जो है वो चाय तैयार करती इसके लिए, बस वो नाश्ता करेगी और खाना तैयार हो रहा है तो फिर बच्चे खाना खा लेंगे, सही है ना। तो यही है आज की वीडियो, और अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और छोटी सी बटन है एक घंटी का वो भी बजा दीजिएगा ठीक है। तो ऐसे ये कि मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी और फिर मैं भी अच्छी अच्छी बातें भी करूँगी आपसे, और ये कि अच्छे अच्छे खाने जो पकते हैं वो भी बताऊँगी, क्योंकि हम लोग पंजाबी लोग हैं, देसी खाना खाते हैं और बनावटी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है बनावटी, तो ये होना भी नहीं चाहिए इंसान के अंदर जो है ना, वो जो है वो होना चाहिए, तो उसी में ज़्यादा मज़ा आता है ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, नाश्ता तैयार हो रहा है जी, ये हमारी एक तरफ चाय रखती है, हाँ चाय रखती है, और एक तरफ मेरी हांडी बन रही है ठीक है जी, हांडी भी रखती है और चाय भी रखती है। चलें जी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आस पड़ोस लोगों का भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी रखिए ठीक है, और जिनके माँ बाप नहीं हैं तो, और जिनके हैं हयात तो उनकी भी आप लोग खिदमत कीजिए ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।